और मैं हूं आपके साथ नम्रता। अजीत अंजुम, जिन्हें मोदी विरोधी पत्रकार के तौर पर जाना जाता है, ऐसा क्या हुआ कि मोदी की मंत्री स्मृति ईरानी की तारीफ करते हुए नजर आए, पत्रकार सुधीर चौधरी पर तंज कसते हुए नजर आए? सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी, स्मृति ईरानी और अजीत अंजुम, ये तीनों ट्रेंड कर रही हैं। अब पूरा मामला क्या है, इसको विस्तार से जानिए। हुआ ये कि आज तक का खास कार्यक्रम चल रहा था, सुधीर चौधरी होस्ट थे और स्मृति ईरानी को बतौर गेस्ट बुलाया गया था। यहां पर सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से टमाटर को लेकर सवाल पूछ लिया। आप जानते ही हैं पिछले दिनों टमाटर के दामों ने किस तरह से आसमान छुए थे। बस फिर क्या, सवाल पूछा गया कि जिस तरीके से दाम बढ़े 200-250 के पार हुए, क्या आपके घर में भी इसी तरीके से चर्चा होती थी जैसे आम आदमी के घर में चर्चा होती है? सवाल नॉर्मल था, लेकिन स्मृति ईरानी ने इस पर जिस तरीके से जवाब दिया वो लोगों को रास नहीं आया, खुद सुधीर चौधरी को रास नहीं आया, जिसके बाद इसी इंटरव्यू में थोड़ी सी गहमा गहमी हो गई। सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से सवाल पूछा था कि क्या आपके घर में भी इस तरह से जिक्र हुआ कि टमाटर के दाम बढ़ गए। जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि आप पर्सनल अटैक मत कीजिए, ऐसे तो मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ कि आप जेल में थे तब क्या हुआ। ये जवाब सुनते ही सुधीर चौधरी सकपक आ गए, उनके पास शब्द नहीं बचे, जिसके बाद उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए बात को संभाला, लेकिन फिर स्मृति ईरानी गुस्से में नजर आई। हालांकि इस इंटरव्यू में कुछ वक्त बाद ही स्मृति ईरानी ने माफी भी मांग ली और कहा कि मैं लोगों को बताना चाहती हूं कि मीडिया में मेरा करियर आपके जूनियर के तौर पर शुरू हुआ था, मैं माफी मांगती हूं, मैंने आप पर पर्सनल कटाक्ष किया। इसके बाद सुधीर चौधरी ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप भी इस चीज के लिए तैयार रहिए। दोनों ने जिस तरह से गहमा गहमी से एक दूसरे को जवाब दिया, समझ में आ गया कि अब चीजें थोड़ी सी उलझ गई हैं। लेकिन अजीत अंजुम को मौका मिल गया तंज कसने का, गाये बगाए स्मृति ईरानी की तारीफ ही करते हुए नजर आए। एक के बाद एक कई ट्वीट की बौछार लगा दी अजीत अंजुम ने। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा, अब तो पूरा इंटरव्यू देखना पड़ेगा, मामला काफी संगीन लग रहा है। इसके बाद अजीत अंजुम ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, ये मामला कुछ समझ में नहीं आया, कोई इस पर प्रकाश डाले, स्मृति ईरानी सुधीर चौधरी को क्या कहना चाह रही है। तीसरे ट्वीट में अजीत अंजुम ने लिखा, सुधीर जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? वैसे स्मृति ईरानी का सुधीर चौधरी से बड़ा बुनियादी सवाल है जो कई सालों से अनुत्तरित है। इसके बाद एक और ट्वीट में अजीत अंजुम ने लिखा, स्मृति ईरानी ने कुछ जेल की बात की है क्या? इसके अलावा एक और यूजर के पोस्ट पर रीपोस्ट करते हुए अजीत अंजुम ने लिखा, कोई धाकड़ नहीं है स्मृति ईरानी, अहंकार सिर चढ़कर बोलता है इनके, इन्हें लगता है कोई इनके सीधे और जरूरी सवाल ना पूछे। अमेठी में एक स्ट्रिंगर को धमकाकर उसकी नौकरी ले चुकी है, सुधीर चौधरी की नौकरी नहीं ले सकती तो उसे तिहाड़ जेल रिटर्न बता रही है। वैसे सुधीर चौधरी ने सही सवाल पूछा था, इन्हें चापलूसी की लत तो इन्हीं लोगों ने लगाई है तो झेलना तो पड़ेगा ही। अगले ट्वीट में अजीत अंजुम ने लिखा, टमाटर पर पूछने पर जेल तक आ गई, अगर सिलेंडर पर सवाल पूछा जाता तो देखा आपने किस तरह से एंकर वर्सेज स्मृति ईरानी की लड़ाई में अजीत अंजुम भी कूद गए और इसी तरीके से तंज कसते हुए नजर आए। अब आपको अगर ये पूरा वीडियो देखना है इंटरव्यू का तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं, आज तक के यूट्यूब पेज पर देख सकते हैं। इस पूरे इंटरव्यू को देखने के बाद और इस खबर को देखने के बाद आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।